हेलो स्टूडेंट्स बच्चे, कल मैंने ईवीएस के चैप्टर 3 में आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के डिक्टेशन एंड वर्ड मीनिंग करवाए थे। तो बच्चे, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली? ए बिग फैमिली विद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, aunts, cousins live together. A big family with parents, grandparents, uncles, aunts, cousins live together. जो एक साथ रहते हैं ना बच्चे, उसको बोलते हैं joint family. A big family, बड़ी परी family हो जाती है ना। big means बड़ा, family means परिवार, जिसमें पेरेंट्स मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल्स यानी कि चाचा या ताऊ जी, आंट्स बोलते हैं चाची या ताई जी, कजन्स उनके बच्चे, जिसको बोलते हैं ना चाचे का बच्चा, चाचे का बेटा, ताया जी का बेटा, तो उनको बोलते हैं कजन्स, लिव टुगेदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्मॉल फैमिली। ए फैमिली विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लिव टुगेदर। ए फैमिली विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लिव टुगेदर। स्मॉल फैमिली, स्मॉल का मतलब होता है छोटी, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ए फैमिली, एक परिवार, विद के साथ, चिल्ड्रन बच्चे एंड पेरेंट्स माता पिता, जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वो होती है स्मॉल फैमिली। ओके, नेक्स्ट है हु आर कजन्स। चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट आर कजन्स। ओके, जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं उनको कजन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली। ए बिग फैमिली विद पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स लिव टुगेदर। व्हाट इज़ स्मॉल फैमिली। ए फैमिली विद चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लिव टुगेदर। हु आर कजन्स। चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट आर कजन्स। चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट आर कजन्स। ओके, ये बच्चे इसको आपने लर्न भी करना है चैप्टर नंबर 3, और बुक में आप नोटबुक में इसको लिखो भी सही। और बच्चे, एवरी टाइम मैं आपको समझा रही हूँ कि बच्चे जब भी आप आंसर कंप्लीट करो तो बच्चे आपने लाइन जरूर लगानी है। ओके, लाइन लगाने से देखो कितना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ बच्चे आपने ये लाइन जरूर लगानी है आंसर कंप्लीट होने के बाद। ओके?